हमारी काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है, सबको मालूम है। पूरे प्रदेश में जो कोरोना की समस्या के बावजूद भी खूब काम हुए हैं। सरकार से हमको शिकायत नहीं, शिकायत जो कलेक्टर की थी वो हमने की है और उसके बारे में हमने अपने ऊपर में अपने लीडर्स लोग को बता दिया है कि भाई वहाँ पे कलेक्टर का जो कारोबार है वो ठीक नहीं है। क्या शिकायत की आप ऊपर में थोड़ा सा क्लियर करेंगे उसको, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि आप दोनों के बीच हुई बात? नहीं, मैं तो उससे बात ही नहीं करता कलेक्टर से, क्योंकि जब से वो पदस्थ हुई है उसकी कार्यप्रणाली से मैं संतुष्ट नहीं हूँ जिस प्रकार से वो काम कर रही है। और इसलिए हमने अपने नेताओं को सबको बता दिया है, मुख्यमंत्री जी को भी हमने बता दिया था, चीफ सेक्रेटरी को भी बता दिया था, ACS होम को भी बता दिया था। मैं पहले ही बता चुका हूँ सब चीज़ों के बारे में और उसकी जो कार्यप्रणाली वो ठीक नहीं है, उससे कोई भी संतुष्ट नहीं। मंत्री जी, नाम तो होगा भ्रष्टाचार है या वो लापरवाह है, संवेदनहीं है, कुछ तो एक नाम होगा। संवेदनहीन है कि नहीं ये तो आप ही लोग अभी बता रहे थे, यहाँ बिलासपुर में रही हुई आप जानते हैं और जहाँ जा भी रही है वहाँ कुछ न कुछ विवादों में रही है वो, ठीक है। रही बात उस पर मैंने जो आरोप लगाया वो सही लगाया है, उसमें मैं कोई मुकर तो रहा नहीं उस आरोप से, तो मैं आज भी बोल रहा हूँ। लेकिन सरकार से सुनिए, आप उस कलेक्टर को प्रदेश सरकार से मत जोड़िए। देखिए जो बोल रहे हैं बीजेपी के नेता कि पूरे प्रदेश की सरकार ये है वो है, पूरे प्रदेश की सरकार अगर है तो आप ये बताइए मुझे कि क्या ये कलेक्टर पिछले कार्यकाल में पदों में नहीं थी क्या? उस टाइम भी की गड़बड़ी है, मैंने तो जो आरोप लगाया उसमें वो भी है साथ में शामिल। इसलिए प्रदेश सरकार के बारे में उनको नहीं बोलना चाहिए। अगर मान लो सौरभ सिंह ने उस पर आरोप लगाया है तो सौरभ सिंह का अपना आरोप है, वो बीजेपी देखे, उन्हीं की पार्टी के विधायक कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वो पलटी मार दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैंने चिट्ठी नहीं लिखी, ये सब तो जांच करेगी उनकी पार्टी। हमको उससे मतलब अभी ब्रजमोहन अग्रवाल जी आए तो उन्होंने कहा इस प्रदेश में न पंच की न सरपंच की बल्कि सरकार नौकरशाहों की है। देखो मेरी बात भी इसमें नहीं है, मेरी बात सुनिए, नौकरशाहों की है, प्रदेश की सरकार तो कांग्रेस की हुई है और कांग्रेस की सरकार को तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री चला रहे हैं, ठीक है ना। नौकरशाह अपना काम करते हैं लेकिन कुछ नौकरशाह जो बेलगाम हो जाते हैं उन पर लगाम कसनी पड़ती है, वो एक जिम्मेदारी। हमारी काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है, सबको मालूम है। पूरे प्रदेश में जो कोरोना की समस्या के बावजूद भी खूब काम हुए हैं। सरकार से हमको शिकायत नहीं, शिकायत जो कलेक्टर की थी वो हमने की है और उसके बारे में हमने अपने ऊपर में अपने लीडर्स लोग को बता दिया है कि भाई वहाँ पे कलेक्टर का जो कारोबार है वो ठीक नहीं है। क्या शिकायत की आप ऊपर में थोड़ा सा क्लियर करेंगे उसको, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि आप दोनों के बीच हुई बात? नहीं, मैं तो उससे बात ही नहीं करता कलेक्टर से, क्योंकि जब से वो पदस्थ हुई है उसकी कार्यप्रणाली से मैं संतुष्ट नहीं हूँ जिस प्रकार से वो काम कर रही है। और इसलिए हमने अपने नेताओं को सबको बता दिया है, मुख्यमंत्री जी को भी हमने बता दिया था, चीफ सेक्रेटरी को भी बता दिया था, ACS होम को भी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।